इन YDAC स्लिट प्रोड्यूस इक्वल इंटेंसिटीज ऑन द स्क्रीन. 100% ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट. नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑन द स्क्रीन बिकम 75% ऑफ द प्रीवियस इंटेंसिटी. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड म्यू ग्लास इज 1.5. द थिकनेस ऑफ द फिल्म कैन नॉट बी. तो देखिए 75% हो जा रहा है प्रीवियस वैल्यू का. तो यहां पर हमें सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं. अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो 75% ऑफ मैक्सिमम यानी कि 3/4 कॉस स्क्वायर 5/2. फॉर्मूला यूज हुआ है आई नॉट आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2. तो इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4 माइनस सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया इसका 2 कॉस स्क्वायर 5/2 दैट इज 3/2 2 कॉस स्क्वायर 5/2 एंड 3/2 माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 विच इज कॉस 5 इज इक्वल टू 1/2 एंड इफ कॉस 5 इज इक्वल टू 1/2 5 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3. ये हमारा फाई आ गया फेज डिफरेंस. अब ये फेज डिफरेंस है तो आपका इसका करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या आएगा. तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स आपका आ जाएगा 2n पाई. तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो होता है फाई बाई के बराबर. तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू है आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और 2 पाई बाई लेमडा. लेमडा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला गया डेल्टा एक्स का. देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका एन 2n प्लस 1/3 बाई इंटू लेमडा बाई 2. ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया. अब ये पाथ डिफरेंस कैसे मिल रहा होगा. तो ये हो जाता है डेल्टा एक्स 2n प्लस माइनस 1/3. तो डेल्टा एक्स आपका इंट्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है ग्लास स्लैब की वजह से. यानी कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया है. वो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो आया है वो है म्यू माइनस 1 इंटू टी 2n प्लस माइनस 1/3 इंटू लेमडा बाई 2. म्यू की वैल्यू है आपके 1.5. अगर हम देखें तो टी की क्या वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर. अगर एन की वैल्यू 0 रखूँ मैं तो ये लेमडा बाई 2 प्लस माइनस हो जाएगा. तो हम अभी लेमडा बाई 6 से स्टार्ट करते हैं. एन की वैल्यू 1 रखूँ पहले माइनस का 1 रखूँगा तो आपको मिलेगा 5 लेमडा बाई 6 और जब प्लस का रखूँगा तो 7 लेमडा बाई 6. तो टी आपका जो हो जाएगा वो म्यू माइनस 1 का भी डिवीज़न इनमें चलता रहेगा. तो हम देखें तो लेमडा बाई 6 आपका हो गया 1000 और यूनिट भी रखते हैं उसकी तो 10^-7. म्यू माइनस 1 इज आपका हो गया 0.2 तो ये 2 हो जाएगा. 2 × 10^-7 पहला आता है हमारे पास. दूसरा बनता है 10 × 10^-7. तीसरा बनता है 14
इंटू 10^-7। इसके बाद आता है 118 इंटू 10^-7। तो यहाँ तक ठीक है, ये आपका सारे हो गए ठीक है। ये 1 माइक्रोमीटर, ये 0.2 हो गया, ये 1.4 हो गया, ये 1.8 हो गया, पर 1.6 नहीं आया। तो आपका डी ऑप्शन इसका आंसर।